तो इस वक्त पाकिस्तान में डिबेट चल रही है और वो ये जब से मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है कि बानी पीटीआई ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में जीएचक्यू के बाहर पुरम ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो उसके बाद बहुत से कानूनदान ये कहते हैं कि उन्होंने राह हमवार कर ली है अपने लिए, खुद ही मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की या अपने सख्त ट्रायल की। तो इस पर आइनी कानूनी निकात क्या हैं? क्या वाकई ये स्टेटमेंट जो मीडिया के सामने दी गई है ये उनके लिए बहुत संगीन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फैसल, एक आपका एक्शन होता है और दूसरा आपका बोलना होता है। कोई भी अगर आप इस दुनिया के अंदर जुर्म को डिफ़ाइन करते हैं तो या वो आपके एक्शन से आता है या आपके ज़ुबान से आता है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि जितना बड़ा आप इम्पॉर्टेंट सीट पे जाते जाएं उतना ही आपके लिए बड़ा कॉन्शियस और कॉशियस होना चाहिए कि मेरा एक्शन जो है वो मेरे लिए या मेरे अलावा जो है जो एक मेरी बड़ी फॉलोइंग है या एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उसका भी एक इम्पैक्ट आता है, और इसी तरह जो मेरा बोलना है उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। चूँकि ये जो है आपने सुना होगा बड़ी मशहूर हदीस भी इस मामले के अंदर ये है कि अगर आपको किसी जन्नत की बशारत के अंदर आना हो तो आप जो है वो अपनी ज़ुबान जो है अगर उसको आप काबू के अंदर रखते हैं तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर उस चीज़ के अंदर आता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और दूसरा ये है कि चूंकि अब आपके सामने जो एक मीडिया का फिनोमिना आया हुआ है, इरशाद आरिफ साहब बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को समझते होंगे कि जब आपका एक प्रेस था तो सर्टेन टीएज ऐसे होते थे कि किसी न किसी जगह आप अपनी चीज़ को या रिट्रैक्ट कर लेते थे या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती थी कि उसको टोन डाउन करके निकल जाया करता था। लेकिन जब मीडिया और जिस तरह आपका फ्रीक्वेंट अब सोशल मीडिया आया है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो गलती की गुंजाइश है वो अब न होने के बराबर रह गई है, और उसी का रिजल्ट निकला है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पूरी सोसाइटी के अंदर या मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन आई है उसका बुनियादी वजह पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और पाकिस्तान के अंदर उस मीडिया के ऊपर जाके इस तरह की बातें करना कि जिसका कॉन्सिक्वेंस शायद वक्त के बाद हो। और इस स्टेटमेंट के अंदर भी आप देखें कि जब ये स्टेटमेंट दी गई थी उस स्टेटमेंट के बाद जब उसका एक रिएक्शन आया तो उसके अंदर फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को उससे डिस्टेंस करने की कोशिश की और ये कहा कि एक नैरेटिव बनाया गया है, और भाई आप अगर डिस्टेंस कर रहे हैं तो आप उसको सीधा सीधा कहें कि जी मैंने ये कहा ही नहीं है या मेरा ये मतलब नहीं है या मैं चाहता नहीं हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक तरफ कुछ और कहें और दूसरी तरफ जो है वो आप ये कहें कि इस सारे प्रोसेस को जो है आप जुडिशियल कमीशन के अंदर लेके जाएं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, लोगों को उनकी बड़ी फॉलोइंग उनके साथ है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उन्हें एक जो लीडर की एक स्टेट्समैनशिप है मेरा ख्याल है अब उसके अंदर आ जाना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो कन्फ्रंटेशन है के अंदर नहीं है और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है पीटीआई के मफाद में नहीं है। आप सब जो इनका सवाल था अब्बास साहब का वो ये था कि क्या ये मिलिट्री कोर्ट के लिए फिट केस बनता है ये बयान? देखें, एक तो ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट के लॉ की आप एप्लीकेशन देखें तो उसके अंदर बड़ा वाज़े इस चीज़ के अंदर आया है कि कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर जाके डायरेक्ट इन्वॉल्व करता है उसके ऊपर आपका पाकिस्तान का मिलिट्री लॉ जो है अप्लाई करता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ दूसरा जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस चीज़ के अंदर है, अगर किसी जगह कॉन्स्पिरेसी इस चीज़ के अंदर आ जाती है कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को या ऐसी प्लेसिस को टारगेट किया है जो लॉ के अंदर नोटिफाइड है और आप वहाँ पर जा नहीं सकते, तो डेफिनेटली फिर जो कनाइवेंस के अंदर जो भी कॉन्सिक्वेंस बनता है वो उस चीज के अंदर आएगा। और मेरा ख्याल है कि ये शायद इस स्टेटमेंट का उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि एक ऐसी चीज जिसको हाफ हार्टेडली हम डिस्टेंस कर रहे थे उसके अंदर हमने जो एक्नॉलेजमेंट की है उसके बड़े सीरियस लीगल जो है वो रिपरकशन आएंगे। और मेरा ख्याल है कि इस चीज का अंदाजा जो है वो उनकी पोलिटिकल पार्टी ने भी कर लिया है, उन्होंने बताते खुद भी कर लिया है, लेकिन जब आप एक दफा को बात कर लेते हैं तो फिर उसको रिट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और गवर्नमेंट का तो हमेशा से यही रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुए थे पाकिस्तान की 42 प्लेसेस के अंदर ये इंडिविजुअल्स नहीं थे, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर आए थे कि जिसके अंदर लोगों को इस बात के ऊपर उकसाया गया था कि आपने उन चीजों के ऊपर जाना है। अब जाके पीसफुल रहना या ना रहना जो है मेरा ख्याल है कि ये किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर के बस में नहीं आता। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल मूव कर लें, जब लोग मूव करना शुरू कर देते हैं तो वो जो मॉब है वो आपके हाथ से निकल जाता है और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस आता है फिर अल्टीमेटली जो है जो उसको लीड कर रहे होते हैं या उसके पीछे हैं उसके ऊपर सारा जो है वो मलबा उस चीज़ का गिरता है। तो अगर इस तरह की स्ट्रॉन्ग एविडेंस या एक दो और चीज़ें या आपकी टेपिंग है या आपकी वीडियो है
या दूसरी कॉरोबोरेटिव स्टेटमेंट्स अगर इस तरह की आ जाती हैं कि ये पूरा प्लान करके हुआ था या इसके अंदर इंस्टिगेशन का एक अमल था या उससे पहले एक ये था कि अगर ऐसा इंसिडेंट होगा तो आपने उसके मुताबिक ये करना है, और अगर ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाती हैं और अगर आप स्पेशल कोर्ट के जज साहब का जो इंटरिम ऑर्डर देखें जो उन्होंने रिमांड के ऊपर दिया था तो उसके अंदर भी इंडिया दिया था कि इसके अंदर किसी न किसी जगह जो है वो एक कॉन्स्पेरेसी का या एक उसके कॉरबोरेशन का एक एलिमेंट है, उसी की बुनियाद के ऊपर जो था जो उन्हें कहा गया था कि जुडिशल पे किया जाए जो उन्होंने नहीं उस चीज़ को माना था। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो एक बड़ा सीरियस और लीगल जो है वो आएगा, बट अल्टीमेटली फिर मामला जो है वो प्रोसिक्यूशन पे है और अदालत पे है, और प्रोसिक्यूशन जो है मेरा ख्याल है पिछले दो साल से जो है मुकम्मल तौर पे डिलीवर करने में नाकाम रही है। सही है। अच्छा अभी हाफिज साहब आर्टिकल 6 की बात हो रही है और उस डिसीजन को बेस बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग के जरिए वज़ीर कानून की एडवाइस पे उस वक्त जो नो कॉन्फिडेंस थी उसको ख़त्म कर दिया था। आप समझते हैं कि उस डिसीजन की बेस पे अब जाके दो साल के बाद साबिक सदर पे, साबिक वज़ीर आज़म पे, साबिक डेप्यूटी स्पीकर पे आर्टिकल 6 लग सकता है, ये एक संजीदा संगीन केस बन सकता है, या ये स्टेटमेंट्स जस्ट फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? देखिए, एक तो ये है कि फैसल अगर लॉ का किसी जगह आप जुर्म करते हैं तो उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर कि आपने उसको प्रोसेस के अंदर नहीं किया, ये जुर्म जो है वो इस चीज़ को नहीं कहता कि आप उस चीज़ को प्रोसिक्यूट नहीं करते। हाँ, उसके अंदर ये है कि डिफेंस उसका एडवांटेज ले सकती है। अगर आप जनरल मुशर्रफ वाला भी देखें तो उनके दौर के अंदर जो एमरजेंसी लगी थी वो 2007 में लगी थी, लेकिन उसके बाद जो था जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त वो एक रेफरेंस बना था और वो बना था 2013 के अंदर, तो 6 साल का अरसा उसके अंदर था और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो मामला भी गया हुआ है। अब इस केस के अंदर ये एक जो चीज है उस केस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग जो थी वो उस लेवल की नहीं थी कि जिस लेवल के ऊपर एक डिफेंस बात के अंदर लिया गया कि जी अगर आपने आर्टिकल 6 के अंदर जाना है तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब जो है वो आपकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर है, और वो उस दौर की इंटीरियर मिनिस्ट्री जो थी उसने अकेले फैसला किया था, जिसका फिर बेनिफिट जो था वो हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर आया, लेकिन चूंकि जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको डिफेंड नहीं किया गया था, उनके उससे पहले वफात हो गई थी, तो ये चादी सुप्रीम कोर्ट से मेरा ख्याल है ओवरलुक रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस केस को जो है वो जो नीचे से सजा आई हुई थी उसको उसी तरह डिस्पोज कर दिया। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो 7 अप्रैल 2022 की है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो 2 फरवरी के अंदर हुआ यानी कि कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी जिसको उस दौर के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन या मिनिस्टर फॉर लॉ जो थे उन्होंने उसको रोका आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर, और उसके फौरन बाद जो है वो सारा आर्टिकल 95 का जो प्रोसेस था उसको सबवर्ट किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि उसी 5-7 मिनट के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की वीडियो आई और उन्होंने आर्टिकल 58(2) के नीचे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस भिजवाई। वही एक मामला है कि चूंकि आर्टिकल 95 के अंदर अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो प्राइम मिनिस्टर उस असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, और अगर उन्होंने वे डिसॉल्व की थी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया था तो उस जजमेंट के अंदर वो तीनों टीयर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है कासिम सूरी का उस मोशन को किल करना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस भिजवाना और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का उस एडवाइस को इंडोर्स करना जानते बूझते इस चीज़ के अंदर कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रस्ट्रेट करने के लिए या डेविएट करने के लिए आई हैं। अब ये है कि उसी के अंदर एक जज साहब ने आर्टिकल 6 की तरफ भी इशारा किया हुआ है कि इन लोगों को आर्टिकल 6 के अंदर लेके आना चाहिए, हालांकि मेजोरिटी व्यू जो था उसकी रीजंस बाद के अंदर आई थी और उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। अब इसके रिव्यू जो है वो अभी इसी साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब फेडरल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी होना अलहदा बात है, लेकिन चूंकि इसके अंदर कोर्ट और पॉलिटिकल मामला है तो मेरा ख्याल यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का अगर इस पे जाना चाहेगी तो उस मुनासिब यह होगा कि वो एक रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भिजवाए आर्टिकल 186 के नीचे कि जी आपकी ये जजमेंट थी, उस जजमेंट के अंदर एक सिंगल जज की ऑब्जर्वेशन है, अगर आप ये समझते हैं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या सबवर्जन है तो आर्टिकल 6 का केस है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स कर देती है तो मेरा ख्याल है कि फिर बहुत बड़ा चैलेंज।